बेमिसाल चैनल की तरफ से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को रिव्यू करेंगे हम। थोड़ा सा हम लास्ट जो हमने टॉपिक आपसे डिस्कस किया था, थोड़ा सा हम उसको रिव्यू देंगे, देन हम आपके साथ बेटा अगला जो टॉपिक है वो शेयर करेंगे। ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि असेंडिंग जो है वो आप है, ए फॉर असेंडिंग और ए फॉर आप, ठीक है। असेंडिंग में आपने छोटे से बड़े की तरफ जाना है और डिसेंडिंग में डी से डैडी, तो डिसेंडिंग में आपने बड़े से छोटे की तरफ जाना है। नो टुडे आवर टॉपिक इज टू डिजिट नंबर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आज हम आपको करके बताएंगे, ठीक है। इसमें आपने बेटा इस ये जो एग्जांपल नंबर वन है हमारी, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नो आप हमें बताएंगे कि असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है। देखें अब आपको कितना मुश्किल लग रहा है कि ये टेंस देखें, यूनिट्स देखें, क्या करें, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। बेमिसाल चैनल ने आपका ये मसला हल कर दिया है। आपने बेटा किसी भी कार्ड के लेफ्ट को देखना है, ठीक है। लेफ्ट पे आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल जो जल्दी से पता चल जाएगा कि कौन सा हमने ऑर्डर जो है या टू डिजिट नंबर है उसको हमने कार्ड को पहले लेके आना। अब देखें इसके लेफ्ट पे आप देखेंगे तो ये फोर है, ठीक है, फाइव सिक्स नाइन एंड सिक्स। अब आपने डिसाइड करना है कि सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि सबसे छोटा हमारे लेफ्ट पे फोर है। नो हम इसको अरेंज कर देते हैं यहाँ पर। अब हमने 46 से स्टार्ट किया, ठीक है। फोर के बाद हमने देखना है कि हमारा लेफ्ट पे कौन सा डिजिट फोर से बड़ा है। नो 51, देखना है कि हमारे पास तीन डिजिट बच गए, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा डिजिट बेटा आना चाहिए, अब आप कंफ्यूज नहीं होना। आपने जाहिर है इसके भी लेफ्ट पे सिक्स है, इसके भी लेफ्ट पे सिक्स है, तो आप लोगों ने फिर ये डिसीजन राइट साइड से लेना है, ठीक है। राइट साइड से आपने सोचना है कि हमारे पास कौन सा जो है डिजिट वो छोटा है। नो स्टूडेंट्स, ये फोर छोटा है या ज़ीरो छोटा है? यस ज़ीरो छोटा है, तो हमने इसको यहाँ रहने देना है। देन वी हमने ये फोर वाला डिजिट जो है टू डिजिट वाला कार्ड हमने यहाँ अरेंज करना है। नौ ये तो आपको पता ही है कि जब आप लेफ्ट से देखेंगे तो नाइन ऑब्वियसली फोर फाइव एंड सिक्स से बड़ा है, तो ये बेटा हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ठीक है। नो हम स्टार्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको मैंने बताया था कि डी से डिसेंडिंग एंड डी से डैडी, तो आपने लेफ्ट से देखना है कि कौन सा डिजिट जो है वो बड़ा है, हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है। नौ आप देखेंगे थ्री नाइन फाइव एंड टू, तो हमारा सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, नाइन। नो 91 से स्टार्ट लेंगे हम। देन हम फिर लेफ्ट से देखेंगे थ्री फाइव एंड टू, तो कौन सा बड़ा है, फाइव। हम 55 को यहाँ पे हम वो कर देंगे, फिर हम देखेंगे बेटा कि थ्री बड़ा है या हमने ज़रा लेफ्ट को देखना है। हमने लेफ्ट ही माइंड में रखना है, चाहे हमारे पास टू डिजिट नंबर हो, थ्री डिजिट नंबर हो, तो आपने चाहे आपके पास मिलियंस तक भी नंबर हो, तो आपने लेफ़्ट को देखना है। लेकिन बस ये आपने रूल याद रखना है कि जब सेम डिजिट नंबर आ जाएंगे लेफ्ट पे तो आपने फिर राइट से डिसीजन लेना है, ठीक है। नो बेटा हम इसको 37 को हैंग कर देंगे। अब थ्री देखें, आपने लेफ्ट में देखा थ्री बड़ा है, तो थ्री से छोटा कौन सा है, टू। अब हमने इसको अरेंज किया है एग्जाम्पल नंबर टू को डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देखिए 91, 55, 37 एंड 28, जैसे आप लेफ्ट से देखिए 9 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 5, उससे छोटा 3 एंड उससे छोटा 2, यानी कि ये 9 से इसके 10 स्टार्ट हुए हैं और 2 पे जो है वो फिनिश हुए हैं। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में बेटा आप देखिए कि हमने कहा था ए से असेंडिंग, ए से आप, यानी कि छोटे से बड़े को हमने ख़त्म कर दिया। इसके टेंस में आप देखें 4, देन 5, देन 6, इसमें डिजिट बढ़ते जा रहे हैं और इसमें बड़े से डिजिट कम होते जा रहे हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।